हे एवरीवन, इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी जो मैंने भी यूज़ किया है। हिस्ट्री को तो मैं उतना डिटेल में नहीं बता सकती क्योंकि मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल है तो मेरे को सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन हिस्ट्री में आप क्या कर सकते हैं, जो क्लास 12th का है थीम्स 1 वो वाला बुक कर सकते हैं। और मिडिवल पार्ट के लिए सतीश चंद्र का एनसीईआरटी मैंने किया था वीडियो लेक्चर से कंप्लीट। और मॉडर्न के लिए आप कर सकते हैं स्पेक्ट्रम, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए स्पेक्ट्रम ही फॉलो करना मैंने तो वही किया है क्योंकि मेरा ऑप्शनल है। ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ एक एनसीईआरटी यूज़ किया है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th का। इकोनॉमिक्स का क्लास 9th से स्टार्ट होता है, तो 9th में पूरा बेसिक्स है। और 10th में आके आपको मीन्स उतना 10th में भी उतना डिटेल में नहीं है, 11th में मैंने पढ़ा था उसमें इतना भी डिटेल नहीं है। और फिर आप क्लास 12th का कर सकते हो, उसमें सारा कॉन्सेप्ट दिया है, वो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के आप एक पेज में नोट्स बना सकते हैं। और क्लास 11th में के लिए पॉलिटी का एक एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, आप वो रीड कर सकते हैं। अगर साइंस करना है आपको, साइंस में थोड़ा बेसिक्स बनाना है अगर बिल्कुल भी नहीं है, तो आप एक दो मैराथन वीडियो देख सकते हैं। फिर लास्ट में जाके जैसे 6 to 8 मैराथन वीडियो देख लीजिए, और लास्ट में जाके बायोलॉजी का 4 चैप्टर होता है वो पढ़ लीजिए। क्योंकि आपको इतना बेसिक तो कौन से पता होना चाहिए, जैसे फोटोसिंथेसिस क्या हुआ, इकोलॉजिकल फ्लो क्या हुआ, फिर फूड वेब क्या हुआ, ये सब पता।